हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका कक्षा एक में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से कौन सा पाठ, पाठ आठ। और बच्चों, इस पाठ का नाम है अपने अपने गुण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ आठ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ, इस सृष्टि में कोई भी व्यर्थ या अनुपयोगी नहीं है। सभी की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, सभी के अपने अपने गुण हैं। अतः स्वयं को उच्च व दूसरों को हीन, दूसरों को छोटा मानना उचित नहीं होगा। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। चिड़िया ने बोला, कैसे हो मोर भाई, आज तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। नदी में झांक कर क्या देख रहे हो? तो मोर ने कहा, देखो मेरे पंख कितने सुंदर हैं, क्या कोई भी पक्षी मुझ जैसा है? तो चिड़िया बोली, सच है, पर सबका अपना अपना महत्व है। मोर ने कहा, मैं नहीं मानता, जिसका रंग रूप ही बेकार हो वह भला किस काम का। मैं नाचूं तो दुनिया देखना चाहेगी, पर अगर तुम नाचोगी तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम नाच रही हो या फुदक रही हो। ये किसने बोला? ये मोर ने बोला। किसको बोला? चिड़िया को। तो फिर चिड़िया क्या बोली? चिड़िया बोली, पर मैं तो अपने लिए भोजन खोजने दूर दूर तक उड़कर जा सकती हूँ, किंतु तुम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो मोर ने बोला, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी शान निराली है, मुझे सबका कितना प्यार मिलता है। मेरी चाल के तो लोग दीवाने हैं, मेरे पंखों को कुछ लोग बड़ी श्रद्धा से अपनी किताबों में भी रखते हैं। चिड़िया बोली, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ठीक नहीं है। तुम दिखने में बेशक बहुत सुंदर हो, पर मैंने सुना है कि तुम सांप को भी खा जाते हो। मोर ने कहा, ये क्या कोई अवगुण है? सबकी अपनी अपनी पसंद है। चिड़िया बोली, लेकिन तुम्हारी पसंद तो बड़ी खतरनाक है। यह क्या, झाड़ियों में चीता है, उड़ चलूं? तो मोर ने कहा, हे भगवान, मैं तो ऊंचा उड़ भी नहीं सकता। कौन बोला ये? मोर बोला। तो चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने बोला, तुम डरो नहीं, मैं पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर तुम्हें सारा हाल सुनाती रहूंगी। तो फिर मोर ने क्या बोला? तुम सचमुच सही कहती थी, सबका अपना अपना मोल है, अब तो मैं सबसे ऊंची डाल तक नहीं जा सकता। चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, डरो नहीं, चीता दूसरी ओर मुड़ गया है, अब हमें कोई खतरा नहीं है। तो मोर ने कहा, शुक्र है, सचमुच हमें घमंड छोड़कर एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। चिड़िया ने कहा, लगता है अब तुम काफ़ी समझदार हो गए हो। तो बच्चों, पाठ यही समाप्त होता है, लेकिन इस पाठ से हमने यही समझा, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना मोल होता है, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता होती है। तो चलिए अब चलते हैं हम कठिन शब्दों पर। महत्व का अर्थ है मोल या गुण, खतरनाक मतलब भयानक, श्रद्धा का अर्थ है आदर या भाव, अवगुण मतलब दोष, और दीवाने यानी कि किसी को बहुत पसंद करने वाले या मत वाले। ठीक, और अब हम चल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। जिनमें सबसे पहले है चिड़िया किससे बातें कर रही थी। चिड़िया किससे बातें कर रही थी बच्चों? तोते से, मोर से, गिलहरी से, इसमें से कोई नहीं। चिड़िया कर रही थी मोर से बात, मैंने मोर पे सही कर दिया। मोर झांक रहा था नदी में, तालाब में, झील में, कोई नहीं, किसमें से? मोर झांक रहा था नदी में। मोर को अपनी किस चीज़ का घमंड था? चोंच का, पंखों का, पैरों का या आँखों का? मोर को घमंड था अपने पंखों का। झाड़ियों में कौन था? हाथी, चीता, भेड़िया या सांप? झाड़ियों में था, कौन छुपा था? चीता। और अब है मेरे, हमें क्या करना है? हमें करने हैं रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले है क्या? मेरे पंख कितने
सुंदर है। मैं क्या आएगा, मैं नाचूं, मैं नाचूं तो दुनिया देखना चाहेगी। किसे बोला था? मोर ने। तुम सचमुच ही सही कर कहती थी, सबका मोल है। क्या मोल है? सबका अपना मोल है, यानी सबका अपना अपना एक जो है अपना अपना मोल है। हमें घमंड छोड़कर एक दूसरे को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? सबको सहारा देना चाहिए। ठीक। और अब है यह बात किसने कही? डरो नहीं, चीता दूसरी ओर मुड़ गया है। किसने बोला? ये बोला था चिड़िया ने, जब चीता आ गया था और मोर डर गया था। देखो मेरे पंख कितने सुंदर हैं, ये किसने बोला था? मोर ने। अपने मुंह से अपनी तारीफ ठीक नहीं, ये किसने बोला था? ये बोला था चिड़िया ने। जिसका रूप रंग ही बेकार हो वह भला किस काम का, ये किसने कहा था? ये बोला था मोर ने। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, हमने रिक्त स्थान के किए और फिर यह बात किसने की, ये किया। और अब है प्रश्नों के उत्तर, और ये प्रश्नों के उत्तर कौन करेगा? ये बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे। इस कहानी को आपने अच्छे से पढ़ लिया है और इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। और इसके साथ आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपके पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कुछ सीखा भी होगा। चलिए अब हम करते हैं आभार।